मंगलसूत्र चीना है वो तो मेरे देश के जो जवान शहीद होते हैं उन माताओं और बहनों से जाके पूछिए उनके दिल पे क्या दुख दर्द होता है। और शहीदों के ऊपर यदि कोई राजनीति करता है ना, उससे कह देते हूँ उससे घटिया राजनीति दल कोई है ही नहीं। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शहनवाज आलम। देश में लोकसभा चुनाव 2024 चल रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं लगातार जो है दिल्ली के रामलीला मैदान में या फिर कहीं भी हो, जंतर मंतर हो, या जगह जगह जो है केंद्र सरकार के का विरोध हो रहा है, कहीं जो है केजरीवाल का भी विरोध हो रहा है, तो कहीं लोग कांग्रेस का भी विरोध कर रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे दिल्ली वोकेशनल ट्रेनर्स एसोसिएशन की तरफ के कुछ लोग यहाँ पे मेंबर्स मौजूद हैं, और देख सकते हैं आवर डिमांड्स में क्या सैलरी इंक्रीमेंट इसको लेकर के और क्या क्या मांगे डायरेक्ट इनसे ही बातचीत कर लेते हैं। किन मांगों को लेकर के आप लोग यहाँ पहुंचे रामलीला मैदान? सर मैं वोकेशनल ट्रेनर थी, पर आज मैं वोकेशनल ट्रेनर नहीं हूँ। मेरी हायरिंग आउटसोर्सिंग के माध्यम से हुई थी, ठेकेदारी की प्रस्ताव 2015 में दिल्ली सरकार ने मुझे आउटसोर्स के माध्यम से स्कूल में लगाया था, और 2024 31 मार्च को मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया गया है। आज मैं बेरोजगार हूँ। बेरोजगार में के लिए मैं केंद्र सरकार और केजरीवाल सरकार दोनों से ही क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। यदि केजरीवाल सरकार शिक्षा क्रांति का नारा देता है तो केंद्र सरकार किन मुद्दों पे बिजी है? जब आज दिल्ली के सरकारी स्कूल में कोई भी टीचर नहीं है, इलेक्शन का टाइम है, कौन से मुद्दे पे मेरा देश इलेक्शन कर रहा है? शिक्षा मेन मूल मुद्दा है हमारा, संविधान कहता है हमारा, शिक्षक होगा भारत तभी देश आगे बढ़ेगा। तो आप मुझे बताइए बिना टीचर के एक देश का बच्चा कैसे शिक्षा ग्रहण कर रहा है दिल्ली के स्कूलों में? मैं दिल्ली में तो कहा जा रहा है कि शिक्षा की जो स्थिति है काफी बेहतर हुई पहले से। सर बेहतर हुई, मैं एक शिक्षक होके आपको बता रही हूँ कितनी बेहतर हुई। जब एक स्कूल की स्थिति उसके बिल्डिंग को रंग करने से बेहतर नहीं हो जाती है, जब वहाँ की क्वालिटी इंक्रीज होती है तब बेहतर होती है। जब बिना टीचर बच्चे स्कूल में जाएंगे और डिग्री रहेंगे, बस नाम की डिग्री है, वो दिमाग से अनपढ़ी है, जब उनको पढ़ाने वाला कोई नहीं है तो वो स्कूल में क्या कर रहा है बच्चा जाकर? लेकिन लगातार जो है दिल्ली गवर्नमेंट जो है उसका आरोप लगते हुए आया है कि केंद्र सरकार हमेशा जो है उसको दबाने की कोशिश की, आज भी वो जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल के अंदर में। सर आपके सामने मैं खड़ी हूँ और न मैं किसी सरकार का मोनिंदा हूँ, मेरा बैनर वोकेशनल ट्रेनर का है, मेरा किसी भी राजनीति पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मैं देश का निर्माता हूँ, देश का भविष्य बनाने के लिए मैंने ये मार्ग चुना था, और टीचर को सबसे ऊपर दर्जा दिया गया है हमारे ग्रंथों में भी सब जगह। तो क्या आपको मेरी बात सुनकर हैरानी या विश्वास नहीं हो रहा कि दिल्ली के स्कूलों का हाल क्या है? आप जाकर देखिए, मैं साथ चलती हूँ स्कूल में। मुझे पता है कैमरा अलाउ नहीं है, गेट में बच्चों से बता पूछा दूंगी मैं आपको कितने आपके स्कूल में टीचर नहीं है और कितने टीचर की भरमारी है। अब मेरे स्कूल से वोकेशनल के दो टीचरों की कमी है, उन बच्चों को कौन पढ़ा रहा है? 9 से लेकर 12 तक मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, मेरे स्कूल की इनरोलमेंट टूरिज्म सब्जेक्ट की 250 है, आज वो बच्चा 12th में है। मुझे ये बताइए, बोर्ड का एग्जाम कहते हैं हम 100% लाएंगे, तो कैसे आएगा बिना टीचर के 100%? केंद्र सरकार भी, लोकसभा चुनाव चल रहा है और केंद्र सरकार जो हमेशा दावा करती है कि अगर चुनाव, अभी चुनाव का माहौल है तो चुनाव से रिलेटेड सवाल कर रहे हैं कि आपके बार 400 के पार का नारा दिया जा रहा है, और ये भी दावे किए जा रहे हैं कि मोदी जी के राज में उनके 10 साल में काफ़ी विकास ही विकास हुआ है, तो आप लोगों का विकास नहीं हुआ? नहीं, हमारा क्या है कि हम 2015 से वर्किंग है, और 2015 में जो हमारा MOU साइन हुआ था वो 20,000 पे साइन हुआ था, लेकिन आज 2024 है, 2024 में भी हम उसी सेम 20,000 पे है। क्या महंगाई नहीं बढ़ी है? क्या हमारे खर्चे नहीं बढ़े हैं? क्या हमारे परिवार नहीं बढ़ा है? तो इसका जवाब देने वाला कौन है? कोई तो हमें बताए कि भाई इस वजह से हम नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो खर्चा तो बढ़ रहा है लेकिन हमारा वो नहीं बढ़ रहा, हमारी सैलरी नहीं बढ़ रही, और दूसरा कि हमें अब तो बिल्कुल ही सिस्टम से ही अलग कर दिया गया है। आप एक शिक्षा के बारे में अगर मान लो चुनाव में आने से पहले कह रहे हो कि भाई हम शिक्षा को इम्प्रूव करेंगे, कैसे कर देंगे आप? कैसे आप इम्प्रूव करोगे देश के बच्चों को जो शिक्षित होने के लिए हमारे स्कूलों में आ रहे हैं? स्कूलों में वो टीचर नहीं है, और फिर आप कैसे, वही जुमले वाली बात आ जाती है कि भाई जुमला फेंक दिया और बस हो गया काम, ऐसे नहीं चलेगा। मोदी जी जुमला फेंकते हैं, बिल्कुल क्लियर है ये। तो हमारे क्या है कि दिल्ली जो स्कूलों में स्किल एजुकेशन दी जाती है उसमें दो है, एक तो MHRD और एक स्टेट फंडेड। हम स्टेट फंडेड में है लेकिन MHRD वाला तो सेंटर स्पॉन्सर्ड है, उनमें भी सेम यही हाल है, दोनों सरकारों ने सेम हालात किए हुए हैं।
ठीक है, तो अब वही जुमले वाली क्लियर बात हो गई ना, के दोनों सरकार दोनों गवर्नमेंट को जिम्मेदार, बिल्कुल बिल्कुल जिम्मेदार है। केजरीवाल सरकार ये कह रही है कि हमारे पास बजट नहीं है, अरे भाई शिक्षा के ऊपर आप ये कह रहे हो कि हमने बजट इतना खर्च कर दिया, तो बजट का गोलमोल कहाँ हो रहा है, खुद ही कर रहे हैं ये। एक तरफ ये कह रहे हैं कि हमें बोल दिया कि हमारे पास बजट नहीं है इसलिए हम सैलरी नहीं दे पा रहे हम, लेकिन फिर वो कह रहे हैं कि भाई बजट हमने इतना खर्च कर दिया, तो खर्च कहाँ हो रहा है ये पूछने वाली बात है। तो कहीं ना कहीं अब जो है केजरीवाल पे भी बहुत बड़ा आरोप लग रहा है कि जब वो दावे करती है कि शिक्षा डिपार्टमेंट में शिक्षा में इतना पैसा खर्च किए तो फिर कहाँ जाता है पैसा, कहाँ घोटाला होता है, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा आरोप लग रहा है। लेकिन अभी बात की जाए तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, लेकिन भाजपा के बहुत सारे नेता जैसे अभी प्राजवल के बारे में सुना होंगे कि हज़ारों वीडियो ऐसे हैं जो महिलाओं के साथ जो शोषण किया करते थे, आज वो देश से फरार हो गए। सर अब चाहे वो भाजपा सरकार रहो चाहे वो केजरीवाल सरकार हो, महिला का शोषण दोनों सरकारों में ही हो रहा है। आप मानिए मैं एक महिला हूँ, एक शिक्षक की नौकरी इसीलिए चुनी थी कि ताकि मैं एक अच्छे घर से जाकर बच्चों को पढ़ाकर अपना घर देख सकूंगी। आज मैं बेरोजगारी तो मैं शोषण का शिकार मैं भी हूँ, कहीं पर भी रात को हमारी महिलाएं रोड पर नहीं निकल सकती है। आप चार बंदों में जाकर हमारी औरतें पुरुष प्रधान देश माना गया हमारा, कभी महिलाओं को आज़ादी नहीं दी गई। 33% का इन्होंने आरक्षण देने की बात कही और बिल भी पास कर दिया, क्या 33% महिलाओं को संसद में आवाज उठाने के लिए टिकट दिए किसी भी पार्टी ने? ये सिर्फ वो लिखित रूप में या फिर आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहती हूँ, आप भी जाते हो क्या 33% दी गई है क्या टिकट, कैसे मेरा देश समृद्ध होगा? रही बात 33% महिलाओं की भागीदारी की बात की जाती है, कौन से डिपार्टमेंट में 33% महिलाओं को नौकरी मिल गई है? सबसे पहले महिला को ही पीड़ित किया जाता है और शिकार भी उन्हीं को किया जाता है। आज हमारी दिल्ली के वोकेशनल ट्रेनर के भी यही हालात बताए क्यों है आपको, सबसे ज़्यादा इसमें महिलाएं वर्किंग है क्योंकि वो रोड पे आने से डरती है, उनको ये डर लगता है कहीं रोड पे आवाज उठाएंगे तो पुलिस केस करवा देगी, क्योंकि सरकार के हाथ में सब कुछ है, एक सामान्य वर्ग और एक कर्मचारी के हाथ में कुछ नहीं। लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा करते, उससे पहले भारत जोड़ो यात्रा भी किए, वो महिलाओं की बात करते हैं, श्रमिकों की बात करते हैं और किसानों की बात करते हैं, सभी की बात करते हैं और लोगों से मिलते हैं। वो कहते हैं कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो महिलाओं को 50% आरक्षण देंगे, तो क्या लगता है आपको? सर 70 साल कांग्रेस रह के गई है सत्ता में, तो क्या आप, मैं एक बार पूछना चाहती हूँ, 70 साल में आपका मंगलसूत्र या किसी महिला का मंगलसूत्र उन्होंने छीना है क्या? मैं मंगलसूत्र छीना है वो तो मेरे देश के जो जवान शहीद होते हैं उन माताओं और बहनों से जाके पूछिए उनके दिल पे क्या दुख दर्द होता है, और शहीदों के ऊपर यदि कोई राजनीति करता है ना उससे कह देते हूँ उससे घटिया राजनीति दल कोई है ही नहीं, और हमारे शहीदों को हमेशा सम्मान मिलना चाहिए, नो कि उनके मंगलसूत्र की बातें करनी चाहिए, उनकी माताएं बहना सम्मानित है, उनकी वजह से आज हम सुरक्षित हैं और वो मेरे देश के जवान है, ये खाकी वाले ये वर्दी वाले मेरे आसपास घूम रहे हैं, उसकी वजह से आज मैं रोड पर खड़े होकर आपको ये भाषण दे सकती हूँ या अपना बातें वाक्य लिख रख सकती हूँ, अदरवाइज मैं इस मंच पर नहीं हूँ। आपका मेरा नाम सोमिका है। किस डिपार्टमेंट में? मैं वोकेशनल ट्रेनर दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूल में कार्य करती थी, पर आज मैं बेरोजगार हूँ। दिल्ली के सरकारी स्कूल में जनकपुरी में मैं कार्यरत थी, पर आज मैं बेरोजगार हूँ, और बेरोजगारी देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। मंगलसूत्र से काम नहीं चलने वाला है, जुमले से काम नहीं चलने वाला है, जब तक मेरे देश के बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा तो देश कैसे तरक्की। जुमला कौन दे रहा है? जुमला सभी सरकारें दे रही है, मुझे तो ऐसा लगता है कि हम 50% आरक्षण दे देंगे सरकार में आने के बाद, कोई कहता है हम कर्जा माफ कर देंगे, कोई कहता है हम किसानों की बात सुनेंगे, कोई कहता है हम जवानों की बात सुनेंगे, कोई कहता है शिक्षा क्रांति हम अमल कर देंगे। शिक्षा क्रांति का मैं भी शिकार हुई हूँ जुमले का, सर और क्या पूछोगे मेरा दर्द। तो आपने देखा कि जो यहाँ पे जो महिला है उसके अगर दर्द आप जो है को अगर आप सीरियसली अगर समझेंगे तो वाकई में आपको भी दर्द होगा। जो भी सरकार आती है कहीं ना कहीं हर जो भी सरकार आती है महिलाओं का शोषण करती है, महिलाओं को कहीं ना कहीं झूठे वादे के तहत जो है लॉलीपॉप देख करके जो है कहीं ना कहीं लुभाने की कोशिश करती है। आपने देखा कि शिक्षा व्यवस्था में जो सरकार जो कहती है कि इतना पैसा खर्चा किया लेकिन ये लोग जो है बेकार है, लेकिन इनकी बातें आपने सुना, क्या लगता है कितनी सच्चाई है या आपका क्या आपकी क्या राय, कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद जय भारत।